So what we are going to do today, folks, is the reading on non-performing assets in Indian banking sector. This is again an important reading for not just for your course, but also if you plan to give up uh, exam like the Indian Economic Service or uh, the economics optional at UPSC or uh, say RBI. Uh, especially for RBI because this is an area of uh, regulation for them.

So, what has happened in 2019, then August? There's something that has happened in August 2020, then uh, May 2021 can there be regulations, and what has happened with the overall NPA scenario. So the kind of lecture that we will have, you will be able to add to what is there in the readings and then perhaps even take it to a step further to tell the examiner that like, I also know what is happening in the contemporary times. तो इस तरीके का हमारा अप्रोच होगा ना फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट सम बेसिक्स डन पहली बात तो एन क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए सपोज आ सपोज अ बैंक लेंस मी हंड्रेड रुपीज़ एंड आई हैव टू पे द इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट सो एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हु विच डज नॉट सर्व इफ़ आई डोंट पे द बैंक सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक अगर मुझे लोन दे रहा है तो वो एक एसेट है बैंक के लिए

अगर 90 डेज तक वो सर्विस नहीं होता है मैं उस पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं वापस करता हूँ तो बैंक्स हैव टू डिक्लेयर दैट एसेट एज एन पी ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करना पड़ता है एंड फिर उसके लिए प्रोविजन रखने पड़ते हैं कि अच्छा ये हो सकता है ये एसेट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए तो इसके बाद उसको स्ट्रक्चर करना पड़ता है उसको आपको स्टैंड सब स्टैंडर्ड एसेट में डालना पड़ता है फिर उसके बाद आप उसको लॉस भी डिक्लेयर कर सकते हो पॉइंट ऑफ टाइम के बाद दैट मीन्स आपने बुक्स आपने हटा ही दिया उसको सो दिस इज़ वन ऑफ दी प्रॉब्लम्स इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम ये दो बार आई है इनफैक्ट दो बार नहीं आई है तीन बार आई है बिकॉज योर रीडिंग स्टॉप्स इन इन समवेयर अराउंड टू थाउजेंड सेवेंटीन तो इसलिए आपका एन बी एफ सीज का भी एन पी ए का प्रॉब्लम नहीं पता तो ये जो प्रॉब्लम है एन पी एस की इसमें क्या होता है कि बैंक्स के जो बैलेंस शीट्स हैं उसमें उसके एसेट्स जो हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं अगर उसके एसेट्स ख़राब होने शुरू हो जाएंगे तो द प्रॉब्लम विल बी दैट ये आगे लोन नहीं दे पाएगा और सपोज आपके पास हज़ार रुपए थे और आपने पाँच सौ रुपये अपने एक फ्रेंड को दे दिए एंड नाउ दैट फ्रेंड इज़ नॉट गिविंग यू दैट मनी बैक नाउ यू ओनली हैव दिस दिस फाइव हंड्रेड रुपीज लेफ्ट विद यू सो यू विल बी वेरी वेरी स्केप्टिकल इन देंस ऑफ लेंडिंग इट टू समन एल्स हु माइट भी इवन नीड ही हो सकता है उस पाँच सौ रुपये का हज़ार रुपये बना दें but because you have already faced that loss or uh, you already have this incident in your mind you might not be able to give that loan again so therefore the entire credit cycle in the economy goes for a toss तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आता है बैंकिंग सेक्टर में और हाउ बैंकिंग सेक्टर इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर दी फॉर 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 अ हेल्दी जीडीपी एंड अ हेल्दी क्रेडिट साइकिल इंड इकोनॉमी, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जिसमें सेवे जिसमें, जिसमें जिसमें जो बैंक क्रेडिट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ बैंक हमारे यहाँ बाकी सारे फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते आ, हमारे यहाँ कॉपरेट डेट मार्केट इतना ज़्यादा डिवेलप नहीं है और बाकी सारी जो फाइनेंशियल मार्केट इतना डिवेलप नहीं है सो मेजर डिपेंडेंस जो होता है बिजनेसिस का वो बैंकिंग सेक्टर पर रहता है सो देयर फॉर देयर फॉर Uh, one of the issues uh, here is that how do we how do we uh, first compare to तो is reading ke andar kya baat kari hui hai is reading ke andar sabse pehle comparison hua hua hai of 1997 से लेके 2002 के बीच में जो बैंकिंग क्राइसिस है वो क्राइसिस का ओरिजिन क्या था उसको उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या थी और उसको resolve कैसे किया And versus 2010 onwards या 2011 onwards विच इज़ ऑन गोइंग इन टू थाउजेंड सेवेंटीन बट एक्चुअली गोइंग फॉर्वर्ड टिल टू थाउजेंड नाइनटीन एर इस रीजन के अंदर हमारा बैंकिंग क्राइसिस क्या था तो इसको वो बैंकिंग क्राइसिस वन बोल रहा है और इसको वो बैंकिंग क्राइसिस टू बोल रहा है एंड देन दथर्स आर ट्राइंग टू कंपेयर दीज टू क्राइसिस दैट हाउ आर दे डिफरेंट फ्राम ईच अदर इसका इसका औरिजिन कैसे थे उसके ओरिजिन में इसमें क्या डिफरेंट था औरिजिन में और इसमें ओरिजिन में क्या डिफरेंस था विच इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या इश्यूज थे यहाँ पर क्या इश्यूज थे एंड इसको रिजोल्व कैसे किया गया और ये इस टाइम तक रिजोल्व नहीं हुआ था बट अगर आप आज का डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट काफी रिजोल्व है we'll कि वो कैसे रिजोल्व हो, हो रहा है और वो क्यों कम हो रहा है सो वॉट हेज एपन एंड हाउ यू रिजोल्व दिस पर्टिकुलर क्राइसिस

Uh, your uh, inter from your uh, indian economy take care now so let's let's just go through the review first so if you see there are there have been these balance sheet problems i as i told you key asset side key problem hai in ki balance sheets key and we are comparing one of the late 1980s to one after the global financial crisis and i'll tell you why global financial crisis baad. ये ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये एन का क्राइसिस आया था एंड देन द डॉक्यूमेंट ऑल्सो सजेस्ट दैट हाउ डू यू रिजोल्व दैम आर वॉट आर दी इशूज इन ईच ऑफ दैम एंड हाउ डिड वी कम टू दैट क्राइसिस तो आपको पहले ओरिजिन भी पता होना चाहिए कि ओरिजिन क्या था क्राइसिस का इशूज़ क्या हैं उसके अंदर क्राइसिस के अंदर और फिर उसका सोल्यूशन क्या है दीज आर दी थ्री पार्ट्स इन विच यू कंपेयर दीज टू पर्टिकुलर क्राइसिस Now let's go through the reading. So if you see uh, ba again, banking sector as I told you, Indian banking sector is very important hai because of the fact that 8 two thirds of our financial savings, so India can does, uh, household savings is one of the most important forms of, of finances, or two thirds of that savings is through the banking sector, and ninety percent of commercial credit is coming from the banking sector. So India may there is this preponderance of banking credit. टू टू बेसिकली चैनलाइज इन्वेस्टमेंट और उसके लिए बैंक का हेल्दी होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सो एनीथिंग विच हैज अ ड्रैग ऑन बैंकिंग परफॉर्मेंस विल है ड्रैग ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड दिस इज समुड है मैंने एडफफोलियो पर डाला हुआ था द ग्रेट स्लो डाउन आई थिंक आप लोगों ने शायद से लास्ट ईयर पढ़ा हो जिसके अंदर अरविंद सुब्रमण्यम है टॉक्ड अबाउट

और उसके बाद जो दूसरा जो वेव तु वे तु वे तु बताया है टू पॉइंट जीरो वो टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन में होता है बिकॉज ऑफ एन बी एफ सी एंड बिकॉज ऑफ रियल इस्टेट कंपनीज जस्ट नोट इट डाउन यू कैन राइट इट एज एन एक्स्ट्रा पॉइंट अगेन दीज आर दीज आर एक्स्ट्रा पॉइंट दैट यू कैन राइट सी दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली गिव यू अ क्वेश्चन एनपीए के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा सो द वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर आंसर कुड बी डिफरेंट अगेन फोक्स आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट आई एव बिन करेक्टिंग योर स्क्रिप्ट एंड ऑल दो जिन्होंने वीडियो देखा है वो ठीक से लिख रहे हैं थोड़ा बहुत ठीक से लिख रहे हैं बट एट टाइम्स इट इट बीन हॉरेबल इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन सो मेक श्योर दैट एटलीस्ट ऑप्टिकली आपके आंसर्स अच्छे हों सो इफ यू आर ट्राइंग टू मेक दिस पर्टिकुलर अगर अगर आप इसी पर्टिकुलर रीडिंग के ऊपर क्वेश्चन लिख रहे हो ट्राई टू मेक अ फ्लो चार्ट ट्राई टू मेक अ टाइम लाइन अ टाइम लाइन ऑफ कि 1997 से 2002 के बीच में क्या हुआ उसके कुछ पॉइंटर्स आप इसको लिख सकते हो कि ये फर्स्ट वो है फिर उसके बाद लिख सकते हो कि यहाँ पर हमारा क्रेडिट बूम आया आई टॉक यू अबाउट दैट टॉक टू अबाउट दैट क्रेडिट बूम फिर उसके बाद 2010 के बाद से लेके 2015 तक ये जो एन का प्रॉब्लम आया एन पी वेव वन और फिर आप लिख सकते हो 2017 से लेके 19 तक का एन पी वेव टू और ये आपके लिए, लिए एक्स्ट्रा टू पॉइंट जीरो आप लिख सकते हो इसमें अरविंद सुब्रमण्यम लिख सकते हो और लिख सकते हो कि दिस इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीडिंग द ग्रेट स्लो डाउन अगेन यू गोइंग अ लिटिल एक्स्ट्रा टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स सो समथिंग लाइक दिस यू कैन ऑलवेज फॉलो ना कमिंग टू कमिंग टू योर क्राइसिस सो दिस पर्टिक्युलर रीडिंग टॉक्स अबाउटी से बैंकिंग क्राइसिस एपिसोड एंड द आफ्टर ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और उसके बाद एन का प्रॉब्लम क्यों आया था एंड एज आई टोल यू द थ्री थिंग्स इट इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट द द एंटीसीडें देन डिग्री एंड द नेचर ऑफ द क्राइसिस तो बेसिकली ओरिजिन क्यों क्या थे उस प्रॉब्लम कितना ज़्यादा डीप था कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था और पॉलिसी रिस्पॉन्स क्या हुए तो ये तीनों चीज़ों में कंपेयर करेगा इन दोनों इन दोनों फेजेस को वॉट ऑल आर दी मेट्रिक्स टू कंपेयर टू कंपेयर अ बैंकिंग क्राइसिस यूजली बैंक का अगर आप क्राइसिस देखोगे वर्ल्ड वाइड तो कैसे कंपेयर करा जाता है हम देखा हम कोई भी बैंक का क्राइसिस कैसे देखोगे इंसॉल्वेंसी के बेसिस पे एंड इलिक्विडिटी के बेसिस पे कि भैया बैंक जो है बैंक रन समथिंग समथिंग कॉल्ड एज बैंक रन सो बैंक रन इज अचुएशन वेर बैंक डज नॉट हैव इनफ मनी टू पे टू इट्स डिपॉजिटर्स सो दैट इज दैट इज एन इनलिक्विड सिचुएशन दैट्स एन इंसॉल्वेंसी काइंड ऑफ़ अ सिचुएशन बट इंडिया में जो प्रॉब्लम देखी जाती है वो एन पी ए के हिसाब से देखी जाती है और कैपिटल एडिक्वेसी के हिसाब से देखी जाती है वील टॉक अबाउट वॉट दीज टू थिंग्स आर अब ये क्यों दो uh, मेट्रिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के अंदर सेवेंटी परसेंट जो बैंक्स हैं बैंकिंग जो एसेट्स uh, हैं वो पब्लिक सेक्टर के पास है दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ दी ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंक्स अगर गवर्नमेंट ऑफ ओनर बैंक्स का अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करता है बैंक्स को तो देर इज दिस क्वजी सवेरनिटी एसोसिएटेड विद इट कि अच्छा ये बैंक तो फेल करेंगे ही नहीं तो ये बैंक तो कभी इन होंगे ही नहीं एंड विल टॉक अबाउट दिस इज वेल जब हम ये बैंकिंग नेशनालाइजेशन एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बैंक जो डिपॉजिटर्स हैं उनको काइंड ऑफ एश्योरिटी मिली हुई है कि अच्छा ठीक है कुछ भी हो जाए हमारा पैसा नहीं डूबेगा सो देयर फोर देयर फोर सिंस इंसॉल्वेंसी एंड इ्विडिटी इज नॉट पर से एन ऑप्शन स्पेशली स्पेशली विद विद गवर्नमेंट डोमिनेटेड बैंकिंग स्ट्रक्चर दी मेजर पैरामीटर्स ऑन विच यू कैन कंपेयर कि अच्छा क्राइसिस है या नहीं है वो यही है कि कितना एन है अब एन कितना होगा एन पी यू सी इन टर्म्स ऑफ मेनी मेट्रिक्स आई विल टीच यू वन ऑफ द मेट्रिक्स विच इज कि आपने जो टोटल एडवांस दिए उसका कितना परसेंट एन पी ए कन्वर्ट हो रहा है ग्रॉस एन पी ए तो वन ऑफ द एस्टिमेट्स दैट आई भी टॉकिंग अबाउट इज ग्रॉस एन पी एज अ परसेंटेज ऑफ एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एडवांसेस तो जो आपने टोटल पैसा दिया उसमें से कितना आपका एन कितना आपका एन हो रहा है सो वील वील सी दैट पर्टिकुलर मेट्रिक्स सो दीज आर दी कम्पेरेबल मेट्रिक्स एंड यहाँ पर इंडिया के केस में थोड़ा सा ये अगर वर्ल्ड वाइड कंपेयर करो थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ प्लेयर भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ रेगुलेटर भी है

अगर बैंक्स को लॉस हो रहा है तो उसको रिकैपिटलाइज करने के लिए भी ओनर्स को पैसा डालना पड़ेगा दिस इज समथिंग दैट यू माइट हैव स्टडीड इन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या बेजिल नॉर्म्स जिसमें आपको बेजिल रिक्वायरमेंट्स कैपिटल एडिक्वेट हर बैंक के पास एक एडिक्वेट कैपिटल होना चाहिए और वो एडिक्वेट कैपिटल कौन डालेगा वो डालेगा ओनर और अगर ओनर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा डालना पड़ेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर पैसा अपना बोरो करके अगर बैंक्स में डालेगा तो उसका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा सो देर आर फिस्कल फिस्कल इम्प्लीकेशन ऑफ एन पी एज एज वेल वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल अगर अभी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं वील डिस्कस दैट थ्रू आउट द रीडिंग एज वेल आई आर दी लेटर पार्ट ना कमिंग टू बैंकिंग एनवायरमेंट अगेन नॉट रियली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट बट इन जनरल यू शुड नो अबाउट दिस कि हमारा नेशनलाइजेशन uh, कब हुआ uh, और उसके बाद कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ बैंकिंग स्ट्रक्चर का इफ़ यू सी नाइन्टी परसेंट ऑफ द क्रेडिट वॉज कम वॉज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ओन बैंक्स एंड रेस्ट वॉज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन द फॉरन बैंक्स एंड एंड बैंक्स तो ये प्री नाइनटीन नाइन्टी वन की सिचुएशन है नाइनटीन एटीज़ में सिचुएशन है नाइनटीन नाइन्टी वन के बाद क्या हुआ अब यहाँ पर दो कमिटीज़ का नाम आपने अभी तक सुन लिया होगा इन योर प्रीवियस यूनिट्स वन इज नरसमन कमिटी रिपोर्ट वन विच वॉज इन नाइन नाइनटी वन एंड द अदर इज़ नरसमन कमेटी रिपोर्ट टू विच इज़ इन नाइनटीन नाइंटी एट दीज आर दू मोस्ट इम्पोर्टेंट कमिटी रिपोर्ट्स दैट यू शुड नो इन एंड आउट आई मीन आई मीन दे वेरी ऑफनली आस्ट एज अ पार्ट ऑफ ऑप्शनल एज वेल एज एज वेल एज योर एम एफ एम के अंदर भी ये पूछना तो चाहिए इनको आई एम नॉट वेरी श्योर कि पास्ट एज में पूछा है नहीं पूछा बट दिस दिस इज अ वेरी दीज अ वेरी टू वेरी इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन दैट यू शुड नो ना अब ये रिकमेंडेशन क्या थी अगर हम फर्स्ट और सेकेंड रेकमेंडेशन के बारे में बात करें तो दीज कमज़ हेड रेकमेंडेड सेवरल ये मैक्रोप्रोडेंशियल होना चाहिए मैक्रोप्रोडेंशियल मेजर्स वील टॉक अबाउट वॉट प्रोटेंशियल मेजर्स आर कि कितना आपको कितना आपको अपना पैसा बचा के रखना चाहिए कितना आप लेंड कर सकते हो कितना आपको आपका खुद का कैपिटल कितना होना चाहिए टीयर वन के अंदर टीयर टू के अंदर देन अडोप्शन ऑफ कैपिटल स्टैंडर्ड्स कि मतलब कब आप उसको डिक्लेयर करोगे कि ये एन पी ए हो जाएगा कब आप इसको करोगे कि ये स्टैंडर्ड एसेट है कब आप डिक्लेयर करोगे तो ये लॉस एसेट है देन यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉर इनकम रिकग्नेशन एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स और ये सारा शुरू हुआ बिकॉज ऑफ द बेजिल वन नॉम्स की बेजिल वन नॉम्स आने शुरू हो गए और हमने कहा कि हम ये इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिस है ऑफ माइक्रो प्रोडेंशियल नॉम्स वील्स वील फॉलो दीज वीज नॉर्म्स तो नर्सिमन कमेटी वन रिपोर्ट जब आई तो उसने कहा कि uh, बैंक्स को और जब हमने अडॉप्ट कर लिया तो हमने कहा कि बैंकस को एट परसेंट क्रेडिट एडिक्वेसी रेशो रखनी है ना व्हाट इज दिस क्रेडिट एडिक्वेसी रेशो या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो सी आर ए आर अब ये रेशो क्या है कि दिस एट परसेंट का मतलब ये है कि अगर बैंक का रिस्क वेटेड एसेट जो है वो हंड्रेड रुपीज है विल टॉक अबाउट वॉट रिस्क वेटेड एसेट इज तो उसमें से बैंक का खुद का ओन कैपिटल कितना है टू ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग लाइक कि सपोज uh, मैंने आपसे क्लास uh, so में मैंने uh, नूर से हंड्रेड रुपीज़ लिए ठीक है सो so, अब मैंने नूर से हंड्रेड रुपीज़ लिए और मैंने आगे uh, शिया को मैंने वो हंड्रेड रुपीज़ आगे दे दिए ठीक है तो इस केस में नूर को कुछ इंटरेस्ट दे रहा हूँ और शिया से कुछ इंटरेस्ट ले रहा हूँ एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी ना इस केस में प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि आई हैव आई हैव नो स्किन इन दिस गेम अगर शिया पैसे नहीं देती तो मैं कहूंगा कि यार मेरे पास तो कुछ नहीं है आगे देने के लिए तो आई एम नॉट इवन कंसर्न विद द फैक्ट शिया इज़ अ डिपेंडेबल बोरोवर और नॉट यहाँ पर यहाँ पर इसीलिए लिए यहाँ पर ये मैक्रोप्रोडेंशियल नॉर्म्स आने शुरू हो गए दैट यू दीज बैंक्स शुड हैव शुड हैव सम काइंड शुड शुड नॉट हैव दिस मॉरल हैजर्ड का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व रिजॉल्व हो जाना चाहिए तो वो रिजॉल्व कैसे होगा जब बैंक का खुद का पैसा भी इन्वॉल्व होगा सो दैट इज अ वे थ्रू विच द मैक्रो प्रोडेंशियल नॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस नाउ इफ अ बैंक इज लेंडिंग हंड्रेड रुपीज देन हाउ मच ऑफ कैपिटल शुड इट हैव इन इट्स ओन बैलेंस बैलेंस शीट्स टू टू गिव दैट लोन दैट्स दैट्स अ सिंपलिस्टिक वर्जन ऑफ वॉट जस्ट डिस्कस्ड विद यू द डिटेल्ड वर्जन इज वॉट इज दिस रिस्क वेटेड एसेट सपोज there are three people who come to you one is mukesh ambani the other is vijay malya and the third is siddharth rathore you give 100 rupees to each one of these three fine individuals now ab isme se mukesh aur sath mein ek government of india ko bhi le lete hain theek hai government of india ko bhi apne sort pe now अब जब इन चार लोगों को जब आप loan दे रहे हो तो उसके साथ में अब आप ये 100 ये 400 हंड्रेड रुपीज़ तो आपके एसेट्स हो गए बैंक के लिए बट नॉट ऑल फोर हंड्रेड रुपीज आर इक्वल मुकेश अंबानी हो सकता है दस परसेंट चांस है कि वो आपको पैसा विजय माल्या नाइनटी परसेंट चांस है कि वो आपको पैसा वापस सिद्धार्थ राठौर हो सकता है आपको थर्टी परसेंट चांस हो कि पैसे नहीं देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीरो परसेंट चांस है कि वो पैसे नहीं देगा ठीक है क्योंकि वो सवेरन है तो आपके टेन रुपीज प्लस 90, प्लस नाइन्टी रुपीज प्लस थर्टी रुपीज तो वन थर्टी रुपीज इज योर रिस्क वेटेड एसेट्स your overall assets were 400 rupees but your risk weighted assets are 130 rupees of this 130 rupees 8% is supposed to be supposed to be coming from your own capital that is your capital adequacy ratio ki bank ke kitna capital hona and this capital should come from uh, when when you read your basel uh, 2 and basel 3 norms there's something called as टीयर वन एंड टीयर टू कैपिटल ये सबसे सेफेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल होता है एंड देन ये सबोर्डिनेटेड कैपिटल होता है तो हम यहां पर बोलते हैं कि आपको अपना खुद का पैसा भी यहाँ पर गेम में लाना पड़ेगा तो अगर आप लॉस करोगे अगर आपका ये अगर आपका ये चीज बढ़ रहा है अगर आपका रिस्क वेटेड एसेट बढ़ रहा है तो दैट मीन्स आपको ये भी बढ़ाना पड़ेगा सपोज आपका रिस्क वेटेड एसेट हंड्रेड रुपीज से टू हंड्रेड रुपीज हो गया तो दैट मीन्स आपको पहले आठ रुपये अपने पास से चाहिए थे अगर एट परसेंट की बात करें अब आपको सिक्सटीन रुपीज़ चाहिए यू नीड टू एड सिक्स एट मोर रुपीज टू योर टू टू योर ओवरऑल बैलेंस शीट ये टीयर वन एंड टीयर टू में तो ये कौन लेके आएगा ये ओनर्स ये टीयर वन कैपिटल मतलब बेसिकली ओनर कैपिटल आएगा सबसे पहले तो इस केस में कौन होगा ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बैंक्स में गवर्नमेंट ओनर है फिफ्टी परसेंट हो तो उसको इस आठ रुपए में से हो सकता है इसको चार रुपए तो गवर्नमेंट ऑफ तो इंडिया को लाने पड़े जिसके लिए उसको बोरो करना पड़ेगा सो दैट इज वेयर इम्प्लीकेशन ऑफ बेजलो टू प्ले सो ये जो आया नर्समन कमिटी रिपोर्ट इट स्टार्ट विद रिस्कट्स टू अचीव द एट परसेंट कैपिटल

बाहर किसी और के किसी और की हेल्प ली मैंने कहा अच्छा यार से एक एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी एक्स वाई जेड आया मैंने कहा अच्छा एक काम करो मुझे दो हज़ार रुपये दे दे और इस बंदे से जितना जितना पैसे रिजॉल्व uh, करा पाए वो तेरे अब वो तो वो कैसे आपसे पैसे ले रहा है वो वो जाना सो आई इंस्टेड ऑफ मी गेटिंग फाइव थाउजेंड रुपीज़ बैक आई एटलीस्ट गॉट फोर्टी परसेंट ऑफ दैट मनी बैक टू थाउजेंड रुपीज़ मुझे मिल गए अब वो एसेट री कंपनी की हेड हो गई है मैं अपना वो दो हज़ार रुपये ले मैंने अपना तीन हज़ार रुपये लॉस दिखा दिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हेयर कट दिस इज कॉल्ड एज अ हेयर कट इन इन बैंकिंग टर्म्स और मैंने मैंने अपना ये दो हज़ार रुपये ले मैं बैठ गया एंड मैं इससे अपना एटलीस्ट मेरे कुछ एसेट्स आ गया मैं इसको और लेंड कर सकता हूँ सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड बैड बैंक्स एंड दिस इज द आइडिया बिहाइंड री एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आप बैड बैंक्स के बारे में जरूर लिखना इन योर आंसर्स वंस यू राइट अबाउट दिस बिकॉज बैड बैंक हैज़ ऑलरेडी बीन क्रिएटेड

देन नरसमन कमेटी रिपोर्ट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करी थी उसने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ओपन अप करने के लिए कहा था उसने कहा था कि अब लाइसेंसेस देना शुरू कर दो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को और ये जो आप आ, देख रहे हो एच बैंक जैसे जैसे बैंक्स और जो सेकेंड फेज के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक वगैरह देख रहे हो ये सारे ये सारे तभी आए हैं जब आपके नरसमन कमेटी रिपोर्ट ने कहा है कि आपको कि न्यू बैंकिंग लाइसेंसेस आप दे दीजिए तो ये ग्यारह नए बैंकिंग लाइसेंसेस दिए गए इन आ, इन इन नाइनटीन बट इनका जो मेजर बिजनेस शुरू हुआ वो टू थाउजेंड्स के बाद शुरू हुआ तो ये जो मेजर बैंक्स बने ये टू थाउजेंड के बाद बने एंड उससे पहले इनका बहुत माइनर रोल होता था इंडियन इकॉनमी में And the other regulations were that CRR kam SLR kam banks' profitability banks' uh, uh, banks allow to raise capital markets. So all of these were other reforms which were introduced by uh, the Narasimhan Committee report. Now uh, let's let's come to contemporary times. Now contemporary times, banks are even more important because if you see, household savings in bank deposits have gone up from thirty percent to sixty percent. That means an overwhelming society of India, households of India are now putting their money in banks, and therefore, these are very important institutions. You cannot let them fail, you have to guard them efficiently. Apart from that, uh, ab ye jo, uh banks have a private sector ko credit. Bahut their, their share in credit has gone up to the private sector has gone up from 24% to 53%. So therefore प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए और दैट एनिमल स्पिरिट्स जनरेट करने के लिए और जी डी पी जनरेट करने के लिए भी बैंक्स का वर्किंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड वॉट वी हैव ऑल्सो सीन इज दैट द शेयर ऑफ बैंक डिपॉजिट दी द शेयर ऑफ बैंक क्रेडिट टू जी डी पी ये सारे के सारे रेशोज जो हैं वो बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं आफ्टर नाइन आफ्टर टू थाउजेंड्स विच शोज दैट बैंकिंग सेक्टर इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन इंडिया नाउ हाउवर एट दी सेम पॉइंट ऑफ टाइम

रिकैपिटलाइजेशन कौन करेगा बॉस अगर आपका रिस्क वेटेड एसेट बढ़ रहा है देखो रिस्क वेटेड एसेट दो तरीके से बढ़ सकता है एक आपके लोन ज्यादा जाद दोगे तो भी रिस्क वेटेड एसेट बढ़ेगा चाहे आपने किसी को भी लोन दिया तो कुछ ना कुछ तो रिस्क मल्टीपल होगा तो रिस्क वेटेड एसेट बढ़ेगा दूसरा जब आपके एनपीए बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो आप कहोगे कि ये रिस्की और, और रिस्क प्रीमियम और बढ़ रहा है तो रिस्क वेटेड एसेट बढ़ेगा विच मीन्स कि इसका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है बट आपको अगर ये एट परसेंट ही मेनटेन कर रहा है तो न्यूमिनेटर भी इंक्रीज करना पड़ेगा इफ सेवेंटी परसेंट ऑफ द बैंक्स और सेवनटी परसेंट ऑफ द बैंकिंग एज सच आर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इसशली ट्रांसलेट्स इन टू दैट दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अ मेजोरिटी ओनर इन दिस सेक्टर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पैसा डालना पड़ेगा कैपिटल डालना पड़ेगा And that is one of the problems which degenerates into a public finance or a fiscal problem given that the government has to bear a lion's share of uh, the recapitalization of PSUs. The other issue is: is this the best source of, of utilizing government scarce resources? Why can't you let the banks raise this particular money from the markets? That's the other issue that you have.

करियर ब्यूरोक्रैट है कोई प्रोफेसर नहीं है नॉट लाइक रघुराम राजन हु वुड बी वेरी इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीजंस एज कम्पेयर टू एज कम्पेयर टू शशि शशिकांत हुज अ करियर ब्यूरोट इज एन आई एस ऑफिसर इज अ फॉर्मर आई एस ऑफिसर तो ही इज मोर इज मोर पैली टू वर्ड्स टू वर्ड्स द फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या चाहिए आपने ये बोला तो हम ये कर लेते हैं सो so, वहाँ पर कई बार आपको लग सकता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ आर बी आई इज़ काइंड ऑफ ठीक अगेन दिस इज जस्ट अ मेजर ऑफ ऑफ आई मीन दिस इज रिलेटिवली कंपेयरिंग टू गवर्नर्स नॉट एब्सोल्यूट दर इज नथिंग एब्सोल्यूट हेयर नाउ एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू टॉक अबाउट दी एस यू बैंक्स तो पी एस यू बैंक्स के केस में एक और चीज़ है कि पी एस यू बैंक्स जो हैं वो कंपनीज एक्ट से नहीं बनते हैं बाकी सारी जो बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो असेंशली कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं ठीक तो है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं उनके जो अप्रूवल्स होते हैं वो सब कुछ ऑन पेपर होता है तो और उनकी बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं बट ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं दे आर गाइडेड बाय बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 जिसके अंदर ये जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिस्क्लोजर बोर्ड गवर्नेंस ये सारी बहुत कम होती हैं तो दे आर लेस सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि बिकॉज दे आर गवर्नमेंट ओन्ड इसीलिए अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री से फ़ोन आ जाए तो आपको वो कहना मानना पड़ता है तो अगर आपको किसी को लोन नहीं भी देना कि अच्छा ये बंदा यार ये बोरो करेगा पता नहीं पैसा वापस करे ना करे बट फाइनेंस मिनिस्ट्री से आपके पास फोन आ गया तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे एंड दैट इज़ हाउ पीपल लाइक पीपल लाइक विजय माल्या गॉट लोन्स बिकॉज दे वॉज वेरी आई मीन वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इज वेल एंड ही वॉज क्लोज एंड एंड ऑफकोर्स जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी आपके दोस्त होंगे और जब आपको लोन चाहिए तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि आप लोन के लिए क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री से कॉल आएगा किसी पब्लिक सेक्टर बैंक को तो उसका एम डी मना तो कर नहीं सकता सो देयर फॉर देट इंडिपेंडेंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर इज लॉस्ट बिकॉज दीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर मच मोर प्लाइंट एज कंपेयर टू अदर बैंक्स कंडीशंस प्रीसीडिंग द क्राइसिस तो हम फर्स्ट फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिस्कस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट हाउ आर दी कंडीशंस व्हिच वी आर आई मीन अगर हम दोनों क्राइसिस को देखें तो हाउ आर दीज टू कंडीशंस डिफरेंट नाउ इफ यू सी दी नाइनटीन का क्राइसिस उससे पहले इंडिया में क्या था उससे पहले इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ डी हुआ प्राइवेटाइजेशन हुआ ठीक है और उस एरा के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनका जो शेयर है वो बहुत बहुत छोटा था वो बहुत छोटा शेयर सिक्स परसेंट के अराउंड उनका प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का शेयर था एंड क्रेडिट बूम जो था वो रिसेंटली लिबरलाइज लिब्रलाइज क्योंकि इंडिया इंडियन इकोनॉमी रिसेंटली लिबरलाइज हुई थी इसलिए क्रेडिट बूम भी आना शुरू हो चुका था तो आ, बट क्रेडिट बूम कोई इतना स्ट्रॉग नहीं था आपका बैंक टू क्रेडिट जीडीपी डी रेशो जो है वो एटीन परसेंट था बट

So, if you want to survive in the market, you need credit uh, from the market. So, in that case, in that case, a lot of these these uh, these uh, domestic firms started taking huge credit. But at times, because they were not able to survive the onslaught of the private sector or, or, or the foreign firms, they were they were loss making and ultimately, wo NPA again. So, the reforms of 1991 triggered this uh, investment boom of the economy. Because the foreign firms entered, this created competition in the existing domestic firms. And these domestic firms started expanding uh, their capacity to basically challenge the foreign firms. And this resulted, and uski firms ie survive. And this resulted in stress in the portfolio of commercial banks. Because a lot of these banks, uh, a lot of these loans became NPA. Now, uh, coming to...

आर uh, बी से भी सीधा फाइनेंस ले सकते थे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी सीधा फाइनेंस ले सकते थे तो ये जो थे ये लॉन्ग टर्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन देते थे हाउ एवर वॉट हैड हैपन तो ये लो कॉस्ट पे पैसा उठा रहे हैं आर से एज वेल एज मल्टीलिटरल एजेंसी से और बॉन्ड से पैसा उठा रहे हैं और वो बॉन्ड्स बेसिकली एस के फॉर्म में भी पैसा उठा लेते थे, थे। तो सपोज uh, uh, अलाहाबाद बैंक को क्या uh, कहते के हैं एस एल के फॉर्म में सिक्योरिटी रखनी है तो हो सकता है वो आई सी बैंक का बॉन्ड uh, खरीद ले और वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है तो वो एस एल आर का uh, में माना जाएगा सो दिज वर दीज वर दी दोर्सेज थ्रू विच दीज वर दी दोर्सेज थ्रू विच दीज डी एफ आईज वर एबल टू रेज लॉन्ग आई मीन वर एबल टू गिव लॉन्ग टर्म मनी टू टू दीज इंडस्ट्रीज

तो अब ये अब ये लो कॉस्ट पे पैसा नहीं उठा सकते थे तो ये लो कॉस्ट पे पैसा नहीं उठा सकते थे तो इसकी वजह से इनकी फाइनेंशियल पोजिशन में स्ट्रेस आना शुरू हो गया बिकॉज़ वेन यू कन्वर्ट दैम इन टू नॉर्मल बैंक्स पहले ये सस्ते रेट पर लोन उठा रहे पा रहे थे आगे देने के लिए अब इनको महंगे रेट पर देना पड़ रहा है एंड दे कांट गिव लोन्स एट फॉर अ लॉन्गर प्रीमियम एज वेल और फॉर अ लॉन्गर टर्म एज़ वेल तो इनका एसेट मिसमैच होना शुरू हो गया तो उसका एक प्रॉब्लम आया आना शुरू हुआ इन बैंक्स के ऊपर अपार्ट फ्रॉम दैट देर और अदर एक्सटर्नल इंस्टेंसेस फॉर एग्जांपल द आसियान फाइनेंशियल क्राइसिस ठीक है देन इंडिया ने 1998 के अंदर न्यूक्लियर ब्लास्ट करा जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए थे देन देर वॉज दिस डॉट कॉम बबल क्राइसिस इन टू थाउजेंड सो दैट ऑल्सो हैड टर्न एक्सटर्नल जो हमारा um, uh, system, जो एक्सटर्नल माइलियो था वो खराब था सो ऑल ऑफ दैट वॉज बेसिकली रीजन्स बिकॉज ऑफ विच द इंडियन इकोनॉमी वॉज स्लोइंग डाउन तो हमारा जो ग्रोथ था वो सेवन परसेंट से बिटवीन नाइन नाइनटी फोर टू नाइन नाइनटी सेवन रिड्यूस टू फाइव परसेंट दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पीरियड ना इफ यू कंपेयर इट टू टू थाउजेंड थ्री टू टू थाउजेंड एट का पीरियड दिस पीरियड सॉ एन अनप्रेसिडेंटिड ग्रोथ ठीक है इसके अंदर आपका क्रेडिट ग्रोथ जो था वो 25 परसेंट पहुँच चुका था बहुत तेज़ी से क्रेडिट ग्रोथ हो रहा था एंड क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा था छवि काउंटरसिकलिकल कैपिटल बफर ये होता है कि अगर आप जैसे अगर आपका बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही है अगर आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है बैंक्स बहुत हेल्दी हैं तो आप ज़्यादा अपना कैपिटल बचा के रखोगे सो दैट जब आपकी इकॉनॉमी डाउनवर्ड हिल पर होगी तो उस कैपिटल को यूज कर पाओगे सो वैन द इकोनॉमी इज डूइंग वेल वैन द इकोमी इज ग्रोइंग फास्टर पेस वन दैंक्स आर मच गंगास्टर पेस एंड उनका एसेट्स और उनकी बैलेंस शीट्स अच्छी हैं तो इंस्टेड ऑफ मेन्टेनिंग एट परसेंट या नाइन परसेंट सी ए आर यू ट्राई टू मेंटेन इलेवन परसेंट सी ए आर एलेवन पॉइंट फाइव परसेंट सी आर दैट टू पॉइंट फाइव परसेंट एक्स्ट्रा सी ए आर जो आपने कैपिटल रखा हुआ है वो देन यू कैन यूज इट वाइल यू आर इन अ रिसेशनरी फेज जैसे कोविड वाले फेज में तो देट इज़ अ काउंटर सिकलिकल बफर की साइकिल को काउंटर करने के लिए कमिंग टू योर बैंक क्रेडिट तो इस पीरियड के अंदर आपने बहुत ही ज़्यादा क्रेडिट देना शुरू कर दिया अब वो क्रेडिट क्यों देना शुरू किया ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस पीरियड में आपने ऐसा क्या हुआ कि बैंक क्रेडिट इतना ज़्यादा दिया और इतना ज़्यादा एनपी हो गया फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द पीरियड व्हेन इंडिया स्टार्टेड ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस 2003 से लेके 2007 तक का पीरियड इज कॉल्ड एज द इंडिया गोल्डन ग्रोथ रेट पीरियड अब वो गोल्डन ग्रोथ रेट पीरियड इसलिए है क्योंकि इस पीरियड में आप साढ़े परसेंट से ग्रो कर रहे थे अब साढ़े आठ परसेंट से ग्रो कर रहे हो इंडियन इकानमी इज़ फाइनली अराइविंग एट ग्लोबल स्केल तो उस केस के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा चाहिए इंडियन इकोनॉमी ओपन अप कर रही है तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन अप बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं सो वॉट वी विल डू इज़ वी विल गो फॉर दीज प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स तो प्राइवेट सेक्टर को इनक्रेज किया कि अच्छा आप प्रोजेक्ट्स बनाओ एंड गवर्नमेंट आपको लोन भी देगा और आप मार्केट से पैसा उठा लो this was the this was the route through which the government uh, or, or or the uh, sector or the private sectors was started started uh, basically building the infrastructure sector अब infrastructure sector like aviation telecom ये सारी जो चीजें हैं इनमें long gestation period हैं ये short period ये automobile loan की तरह नहीं है कि पांच साल में खत्म हो जाएगा इनके loan चलेंगे 15 साल 20 साल ठीक है अब लोन देने वाले कौन है वो डी एफ आईस का नहीं है वो तो यही वाले बैंक्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ये शॉर्ट ड्यूरेशन पे डिपॉजिट्स ले रहे हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन पे लोन कैसे दे देंगे सो दैट मिसमैच स्टार्टेड बिकमिंग प्रॉब्लम दूसरी इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो था अगर कोई कोई प्राइवेट बंदा फाइनेंस मिनिस्ट्री से कॉल कराता था तो उनको लोन देना पड़ रहा था तो ये एक प्रॉब्लम दूसरा बैंक्स को अभी ये क्योंकि नए स्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी भी नई इवॉल्व हो रही थी तो रोड रोड में कितना आपको प्रॉफिट uh, होगा लॉस होगा ब्रिज बनाना है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा इन एसेट्स का वैल्यूएशन इन एसेट्स में कितना मार्जिन होना चाहिए किस तरीके से आपको इंटरेस्ट रेट होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में हमारे बैंक्स को आइडिया नहीं था सो बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज ऑफ़ दैट दैट कीपेबिलिटी गैप स्पेशली विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स कि हाउ डू यू असेस द रिस्क एसोसिएटेड ऑफ बिल्डिंग अ अ लेदर फैक्ट्री वर्सेस बिल्डिंग अ रोड तो ये जो है ये जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट uh, के जो uh, वो हैं असेसमेंट्स हैं ये हमारा हमारा मिसमैच था सो दे वॉज अ मिसमैच ऑफ स्किल्स टू डू प्रोजेक्ट लैंडिंग एज वेल एज दे वॉज यहाँ पर एक्सपर्टाइज कम था और दूसरा जो प्रॉब्लम था वो फंडामेंटल एसेट लाइबिलिटी मैच में था कि ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के थ्रू नहीं था बैंक्स वर एसेंशियली डूइंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लैंडिंग ऑन द बैक ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट विच बेसिकली डिड अ ब्रॉट अबाउट अ एसेट लाइबिलिटी मिसमैच तो ये एसेट लाइबिलिटी मिसमैच था और बैंक्स की कंपिटेंस की वजह से था और उसके बाद uh, अब ये आपने लोन तो सपोज आपने लोन दे दिया किसी को हज़ार करोड़ रुपये का बट अब आपने लोन दे दिया है बट आपको ये नहीं पता कि हो सकता है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो टेक ऑफ ही ना कर पाए क्यों लैंड एक्विजिशन नहीं हुई इंडिया के अंदर लोग सड़क पे आके बैठ गए या फिर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को दो इशू तो पॉलिसी इश्यूज तो हो सकते हैं इन्वायरमेंटल इशूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट अटक जाएगा प्रोजेक्ट अटक जाएगा तो आपका बैंक का पैसा अटक गया सो ऑल ऑफ दीज ऑल ऑफ दीज इशूज बिकेम अ प्रॉब्लम एंड अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बड़ी अजीब सी सिचुएशन में था एक तरफ है कि मुझे एसेट्स बनवाने हैं अगर कंट्री को अच्छा करना है मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स अच्छे चाहिए दूसरी तरफ इनको लोन देने के लिए भी पब्लिक सेक्टर बैंक ही लोन देगा तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अजीब सी सिचुएशन में फंसा हुआ था एंड यहीं पर व्ग्जाम्पल दे रखा था फॉर एग्जाम्पल रिकवरिंग अ सीमेंट फैक्ट्री इज़ टिपिकली इजियर फ्रॉम अ सीमेंट फैक्ट्री इज ईजियर देन रिकवरिंग फ्राम अ ब्रिज और रोड ठीक है अब तो आप रोड को फैक्ट्री को तो चलो ठीक है आप देर इज दिस एक्ट कॉल सरफेजी जिसमें आपने चलो एसेट को अटैच किया और फिर बेच दिया अब रोड को कैसे करोगे या ब्रिज को कैसे करोगे उसको उसके आप रिकवरी कैसे लोगे सो दैट बिकम्स रिकवरी ऑफ एंड रेजोल्यूशन ऑफ द डेट बिकम्स अ प्रॉब्लम इन केस ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड बिकॉज नाउ इतना ज़्यादा लोन दे रखा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने और सेवेंटी परसेंट जो बैंक जो एसेट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास हैं तो सेवेंटी परसेंट ऑफ अ ह्यूज अमाउंट इज आल्सो ह्यूज एंड अल्टीमेटली जब आपका रिस्क वेटेड एसेट बढ़ेगा तो बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा बर्डन भी फिजिकल बर्डन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ठीक है तो दैट बिकेम अ प्रॉब्लम इट वॉज नॉट एक्चुअली द लोन्स विच बिकेम अ प्रॉब्लम लोन प्रॉब्लम कब बननी शुरू हुई बिकॉज ये जो आपने इतने सारे लोन दे दिए थे इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अब 2002 के अंदर 2008 के अंदर क्या हुआ कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इमीजिएटली इंडिया ने रिवाइव करने के लिए तो उस पीरियड के बाद इंडिया ने रिवाइव करने के लिए स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एज मुखर्जी स्टिमुलस यहाँ लिखा नहीं हुआ प्रणब मुखर्जी वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर और उन्होंने इकोनमी के अंदर एक स्टिमुलस दिया विच वॉज uh, कि अच्छा ठीक है हम Uh, uh, आपका इकोनॉमिक को अंदर खूब सारा पैसा डाल देंगे बैंक्स को बोला कि आप खूब पैसा लोन uh, दो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को सो दैट किनिजन इकोनॉमिक्स वर्क्स एंड वी रिवाइव द इकोनॉमी बैक आपने इकोनॉमी तो किसी तरीके से स्टेरॉइड्स के बेसिस पे अपनी वापस बुला ली और वापस ठीक कर ली दो सालों के लिए टू से लेके इलेवंथ के बीच में बट अल्टीमेटली ये सारी कंपनीज जो थी वो वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं रह गई वाई बिकॉज एट दिस पॉइंट टाइम देर वॉज मैसिव डिप्रिसिएशन ऑफ दी करेंसी देर वॉज वेरी हाई इन्फ्लेशन एंड टू थाउजेंड टेन के बाद आर आर बी आई ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ाने शुरू कर दिए तो सपोज़ जब आपने लोन लिया था तब रेट ऑफ़ इंटरेस्ट चार परसेंट था और ये दीज आर वेरिएबल लोन्स और दो हज़ार नौ में आप देख रहे हो तो ये आपका लोन हो गया चार परसेंट तो नहीं सपोज आठ परसेंट पे लोन लिया था और बाद में हो गया ग्यारह परसेंट तो आपका तो पूरा का पूरा मैथ जो फिजिकल मैथ है वो खराब हो गया कंपनी के लिए कि तीन परसेंट तो बिना बात का इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड हो गया सो बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शेल्व हो गए प्लस इस पीरियड में इंडिया में बहुत सारे क्राइसिस आने शुरू हो गए थे यू माइट ए वर्ड अबाउट दिस टू जी स्कैम कोलगेट स्कैम कॉमनवेल्थ स्कैम तो इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स पॉलिसी परालिस में होना शुरू हो गया था सो so, All these issues led to the problem of uh, corporate sector uh, uh, not being able to सर्विट्स its loan back. But वो भी छुपा लिया गया ये 2011-12 ग्यारह बारह में भी आप प्रॉब्लम पकड़ सकते थे बट आर ने रेगुलेटरी फॉरबियरेंस दिखाया है वॉट इज दिस रेगुलेटरी फॉरबेयरेंस कि बेसिकली अच्छा कोई बात नहीं लोन नहीं वापस कर पा रहे आप तो एक काम करो एक साल बाद लोन वापस कर देना या दो साल बाद लोन वापस कर देना बैंक्स को अलाउ कर दे करना शुरू कर दिया कि अच्छा आप अभी अपनी बुक्स में एनपीए मत दिखाओ उनको थोड़ा टाइम दे दो कि थोड़े टाइम बाद वापस कर देना तो रीस्ट्रक्चरिंग अलाउ कर दी रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स अलाउ कर दिया रेगुलेटरी फॉरबियरेंस दे दिया उसकी वजह से वॉट शुड हैव बीन एविडेंट इन टू थाउजेंड टू थाउजेंड वॉज हिडन फ्रॉम दी पब्लिक एंड हिडन फ्रॉम दी फ्रॉम दी गेस ऑफ मीडिया टू 2014-2015, specially in 2015 स्पेशली इन Rajan asked all these रघुराम राजन आस्ट ऑल दीज बैंक की बॉस डू वन थिंग सबसे पहले अपना एसेट का क्वालिटी का रिव्यू करो एक यू आर मंग बुला लिया 2015 में एवरी बैंक वॉज आस्ट कि आप अपने एसेट जितने भी अपने एसेट्स हैं उनको रिव्यू करो और बताओ कि आपके रियल एनपीएस कितने हैं और एकदम से आपको दिखाई दिया 2015-2016 में कि सब सारे कह रहे हैं कि यार एनपीए तो बहुत ज्यादा है हम तो रीस्ट्रक्चर करे जा रहे थे लोन्स को जिसको हम बोलते हैं एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स जैसे एवर ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स करे जा रहे थे सो दिस वॉज दिस वॉज द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच द बैंक्स वर एबल टू हाइड इट एंड दिस वॉज नॉट शोन एंड अल्टीमेटली जब ये इंडियन इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आया तो ये फाइनली आपको ये एन देखने शुरू कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में स्टील में मेटल्स में और टेक्सटाइल्स के अंदर तो पहला हमने आप देखा कि बैकग्राउंड क्या डिफरेंट था सो वॉट वी हैव सीन इज द डिफरेंस इन बैकग्राउंड इन दीज टू क्राइसिस नाउ वॉट वी नीड टू सी इज द डिग्री एंड द नेचर ऑफ द क्राइसिस हाउ आर द डिग्रीज एंड द नेचर ऑफ दिस क्राइसिस डिफरेंट सो इफ यू सी मोस्ट ऑफ द बैंक्स वर बिलो द सी आर लेवल इन दी फर्स्ट फेज़ कि एट परसेंट सी लेवल नहीं था और उनका जो ग्रॉस एन था वो बहुत ज़्यादा था उनका ग्रॉस एन जो था वो फिफ्टीन परसेंट था ठीक है अभी अभी से कंपेयर करो तो वो फिफ्टीन परसेंट बहुत ज़्यादा दिखता है और उनका एन धीरे 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 कम होना शुरू किया फ्रॉम नाइनटीन टिल टू ग्रॉस एन जो था वो 11% ही रहा था तो ये एन पी एस के लेवल बहुत ज़्यादा थे बट You have to compare NPA as a gross percentage of what is NPA कि कितने लोग वापस नहीं कर रहे as a percentage of some base as a percentage of gross advances तो अगर आपके gross advances ही कम होंगे suppose सिर्फ 100 रुपए के gross advances हैं तो that means NPA सिर्फ 11 रुपए का है but अगर आप कह रहे हो कि आपका gross advances ही एक लाख रुपए के हैं तो वन लाख रुपीस का एलेवन परसेंट इज इलेवन थाउजेंड रुपीज तो दैट मींस क्योंकि बेस बढ़ गया बाद में जाके हम देख रहेंगे कि ये चाहे ये नाइन परसेंट हो वन लाख का नाइन परसेंट इज नाइन थाउजेंड वेर एज यहां पर क्योंकि बेस छोटा था इसलिए वो कम कम अमाउंट था ठीक है सो दिस वॉज दिस वॉज वन थिंग दैट यू टू नो बट अगर अगर आप टू थाउजेंड थर्टीन के बाद का वाला देखोगे तो उस केस के अंदर उस केस के अंदर आपका जो एन का जो शेयर है वो ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बेस आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया एंड एज आई टोल्ड यू कि 2015 में आर बी आई इंट्रोड्यूस दिस एसेट क्वालिटी रिव्यू विच फोर्स दीज बैंक्स टू रिकोगनाइज दी स्ट्रेस्ड एसेट्स इन टू देयर बुक्स ठीक है और उसकी वजह से हमने 2015 के अंदर देख रहे हैं कि एन जो है साढ़े सात परसेंट है तो वो साढ़े सात परसेंट एन पी ए का परसेंटेज तो आपको कम दिख रहा है बट दिस वॉज मच बिगर बिकॉज द साइज ऑफ द बैंक वॉज मच बिगर साइज ऑफ द एडवासिस वॉज मच बिगर सो देर फॉर देर वॉज प्रॉब्लम एंड यहां पर मेन प्रॉब्लम किस में आई मेन प्रॉब्लम आई पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नाउ लेट मी शो यूर अ डेटा पॉइंट सो दिस इज समथिंग दैट आई वॉज वर्किंग ऑन एज वेल इफ यू सी ये क्या है दिस इज दी पब्लिक्स ये आपके बेसिकली एन पी एस का इशू है कैन यू सी कि यहाँ पर आपका नवम्बर टू थाउजेंड फिफ्टीन के बाद देख यहाँ पर रघुराम राजन सेड कि बॉस स्टार्ट विथ दिस एसेट क्वालिटी रिव्यू और जैसे आपने एसेट क्वालिटी रिव्यू करा आपके देख रहे हो एन पी एस एकदम से बढ़ने शुरू हो गए और किसके एन पी ए सबसे ज़्यादा बड़े हैं कैन यू सी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एन पी ए जो है बीच बीच में पंद्रह परसेंट भी पहुँच गया दिस इज़ क्वार्टर दिस इज क्वार्टर वाइज ये क्वार्टर वाइज डेटा आया हुआ है ठीक है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का कम है क्योंकि उनको उनको जो है उनको बेवकूफ़ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है ठीक है यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एवरी वन टुक फॉर अ राइड, ठीक है स्पेशली बिकॉज एक इनको प्रोजेक्ट असेसमेंट ठीक से नहीं पड़ाता था, था दूसरा इनके अंदर करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा थी तीसरा यहाँ पर फाइनेंस uh, मिनिस्ट्री का भी रोल खूब सारा था सो so, इसीलिए आपको ये गैप दिखता है एंड उसके बाद से यू सी दैट देर हैज़ बीन अ कॉन्स्टेंट फॉल और आज की डेट में ये जो है ये बिलो सिक्स परसेंट सेवन परसेंट टाइप्स टच कर गया है तो विच विच शोज दैट इट इज़ ऑन अ डिक्लाइनिंग फेज अभी नहीं बता सकता बट वंस आई मीन इफ इफ यू कंटिन्यू इन डायरेक्शन ऑफ यू पी एस सी देन आई टेल यू कि क्यों ये नीचे जा रहा है और इसमें रिस्क आ गया और क्या है आने वाले टाइम के अंदर सो आई दैट फिगर इज जस्ट टू शो यू द डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर्सेज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड बिकॉज देर इज़ अब देखो बैंक्स का कैपिटल खूब सारा फंस गया है अब बैंक्स का कैपिटल अगर खूब सारा फंस गया है इन एन पी ए दैट मीन्स दे विल नॉट बी एबल टू मेक फ्रेश एडवासिस और अगर फ्रेश एडवांस नहीं दे पाएंगे तो आगे लोन नहीं दे पाएंगे लोन नहीं दे पाएंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो जी डी पी ग्रोथ रेट नहीं होगा एंड दैट इज़ वॉट वी सी दट द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ बैंक क्रेडिट हेज शार्पली डिक्लाइं फ्रॉम फोर्टीन परसेंट टू सिक्स परसेंट इन टू थाउजेंड फिफ्टीन सो दिस वॉज द डिग्री एंड नेचर इन विच दीज क्राइसिस वर different from one another now the last part of the reading in which we talk about the policy the policy responses to the crisis so iske andar jo pehla phase tha that, wo kaise resolve hua usko resolve karne ke liye ek तो था कि banks जो थे वो छोटे छोटे से थे ठीक है तो उसके लिए आपको जो पैसा चाहिए था जो आपको capital input capital चाहिए थी government के side से वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि fiscal deficit बहुत ज़्यादा high हो जाए

बैंक्स भी प्रॉफिटेबल होने शुरू हो गए बैंक के पास बाहर से भी पैसा आना शुरू हो गया सस्ते रेट पे एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट दैट गवर्नमेंट का जो यील्ड था गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर जो यील्ड था वो बहुत तेजी से गिर गया गवर्नमेंट बॉन्ड पे जो यील्ड था वो 12 परसेंट से गिर के 7 परसेंट हो गया इसकी वजह से बैंक्स ने खूब सारा प्रॉफिट बुक किया अब कोई पूछेगा कि ये प्रॉफिट कैसे बुक किया रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया यू शुड नो फ्रॉम योर माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इनवर्स इनवर्सली रिलेटेड कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है वो बढ़ जाएगा तो अब इनको बहुत मैसेव कैपिटल गेंस हुए जिनके पास बॉन्ड्स पड़े थे तो जब खूब सारा प्रॉफिट हो जाएगा तो आपके पास कैपिटल खूब सारा आ गया अब आप आराम सेफली बैठ गए हो सो दिज सब्सटैंशियल कैपिटल गेन्स ऑन एस एल आर होल्डिंग्स क्योंकि एस एल आर इज दीज आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स दी कैपिटल गेन ऑलमोस्ट एक्टेड एज अचुरल बेल आउट फॉर दीस्ट बैंक सो दीज दीज बैंक्स गॉट बेल्ड आउट बिकॉज ऑफ ऑटोमैटिक रीजन्स इन दिस पर्टिकुलर फेज बट वंस वी टॉक अबाउट द करंट फेज करंट फेज के अंदर ये ऑटोमैटिक बेल आउट नहीं है इनफैक्ट एक के बाद एक क्राइसिस आ रहा है पहले वेव वन था एन का जो मैंने आपको बताया जो आप लिखोगे क्या लिखोगे यू विल टॉक अबाउट कॉपोरेट्स जो कॉपोरेट्स के अंदर लिखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज एंड बैंक्स फिर उसके बाद आपका आ गया एन का वेव टू टू पॉइंट जीरो लिखोगे और इसमें लिखोगे अरविंद सुब्रमण्यम का नाम एंड यू विल राइट रियल इस्टेट कंपनीज एंड एन के क्राइसिस फिर उसके बाद आ गया आपका कोविड बट कोविड के अंदर रेगुलेटरी फॉरबियरेंस काफ़ी रहा काफ़ी ज़्यादा रहा है जिसकी वजह से अभी तक आपको इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता कि एन पी बढ़ रहा है इनफैक्ट एन आपको कम होता दिखाई दे रहा है बट अल्टीमेटली दी बैंकिंग सेक्टर इज नॉट बींग आई मीन इज नॉट एबल टू रिवाइव इथ सेल्फ और इट्स नॉट एट द सेम पेस एज इट वॉज इन अर्ली टू थाउजेंड क्योंकि एक के बाद एक एक के बाद एक कोई ना कोई क्राइसिस आ रहा है बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर वो लिखा है जो मैंने आपको रेगुलेटरी के बाद के बारे में बताया था एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल आर बी आई टुक टू रेगुलेटरी फॉर जिसके अंदर कॉपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग फाइव ट्वेंटी फाइव स्कीम जॉइंट लेंडर्स फोरम ये सारी की सारी चीज़ें करी थी और इसकी वजह से इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम यू वर जस्ट पुशिंग इट अंडर 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 द शीट सो दिस इज़ वॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिस इज़ वॉट द आर बी आई डिड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी सारे इनिशिएट किए प्लान्स वन ऑफ देम वॉज वॉज इंद्रधनुष जिसमें उसने कहा था कि अच्छा यार हम ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इनको हम इंडिपेंडेंस देंगे बट वो आज तक अभी इंडिपेंडेंस मिली नहीं है एंड बिकॉज ऑफ द इंटायर सागा ऑफ एन पी ए द गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू रिकैपिटलाइज दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिसकी वजह से फिजकल प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ा है द लास्ट स्पॉट वॉट ऑल आर दी लेस एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन दी लेसन एंड पॉलिसी रेकमेंडेशन आर थ्री फोल्ड एक रिकगनेशन थ्री आवर्स बोलते हैं एक्चुअली फाइव आवर्स थे ये रघुराम राजन ने बोला था बट थ्री आवर्स देख लेते हैं पहला रिकग्नेशन दूसरा रिकैपिटलाइजेशन और तीसरा रेजोल्यूशन रेकग्नेशन क्या मतलब कि पहले तो आपको हर बार आपको अपनी बैंक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए उनका पल्स पता होना चाहिए अगर बैंक्स का मेट्रिक खराब हो रहा है तो आपको इमीजिएटली पकड़ना है कि अच्छा यार बैंक्स में कुछ गड़बड़ हो रही है लेट्स लेट्स कैच होल्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एंड एड्रेस दैट दैट इज कॉल्ड एज जो आएगा आपका एसेट क्वालिटी रिव्यू से हर दो तीन साल में एक बार एसेट क्वालिटी रिव्यू करो चेक करके देखो कि बैंक क्रेडिट टू बैंक क्रेडिट टू जी डी रेशियो बहुत तेजी से तो नहीं बढ़ गया अगर वो बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ बबल बन रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है रिकलाइजेशन रिकैपिटलाइजेशन इज़ की आप पैसा जो है वो कहाँ से लाओगे अगर आपका एन बढ़ रहा है रेस्कुटेड एसेट बढ़ रहे हैं तो पैसा कहाँ से लाओगे यू हैव टू स्लोली शिफ्ट दीज बैंक्स टू वर्ड्स मार्केट से पैसा उठाओ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेस रिसोर्सेज हैं उसके पास इतना इतना फिजिकल स्पेस नहीं है स्पेशली आने वाले टाइम्स में कि वो और डेफिसिट अफोर्ड कर पाए एंड थर्ड इज़ रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन के लिए आपने निकाला है आई बी सी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट कि अगर कोई आपका पैसा नहीं वापस देता तो आप कैन यू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम इन टू हंड्रेड एंड सेवेंटी डेज एंड साथ में अभी कोविड टाइम्स में प्री पैक्स करके कुछ आ गया है कि आप इमीजिएटली रिजॉल्व कर लो अपना इंसॉलवेंसी का प्रॉब्लम सो दीज आर दी थ्री स्टेप्स और पॉलिसी रिकमेंडेशन विच दी गवर्नमेंट इज ऑलरेडी फॉलोइंग एंड नाउ इट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड समथिंग कल्ड एज बैंड बैंक जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है पढ़ने के लिए you should write a paragraph you should write this element in your own so then read the conclusion